ओडीआई वर्ल्ड कप खत्म होते ही सभी के मन में बस एक ही सवाल है, और चूंकि अब टीम इंडिया ये वर्ल्ड कप हार गई तो वो सवाल उछाल मार रहा है। कौन सा वो सवाल है और क्या उसका जवाब है, चलिए आपको बताता है इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो में, मैं हूं आपके साथ श्रद्धा पांडे। दरअसल ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 का आगाज हमारे लिए अच्छा हुआ था, यानी टीम इंडिया के लिए बेहतरीन हुआ था। टीम इंडिया शुरुआत में 10 मुकाबले जीत गई थी, लेकिन उसके बाद एक दिन खराब और वो फाइनल का दिन निकला कम वक्त, और वो हम सब के सब हार गए। हम वो पूरा 10 मैचेस की मेहनत जो है हमारी पानी में चले गई थी, वो हम मुकाबला हार गए। ओडीआई वर्ल्ड कप उठाने का हमारा 10 साल का जो सपना था वो अभी भी अनफॉर्चुनेटली सपना ही है। उम्मीद करेंगे 2027 में अब कुछ चीजें बदलेंगी। खैर, ये तो रही वर्ल्ड कप की बात। वर्ल्ड कप के बाद आ जाते हैं अब रोहित शर्मा पर। एक सवाल था कि भाई रोहित शर्मा की कप्तानी का क्या होगा वर्ल्ड कप के बाद, और चूंकि अब टीम इंडिया हार गई है तो ये सवाल जो है बहुत उछाल मार रहा है। अब सब लोग रोहित की कप्तानी के पीछे पड़ गए। हालांकि रोहित शर्मा ने बेहतरीन कप्तानी करी है, शायद वर्ल्ड कप में 9 टीमों में से सबसे बेहतरीन कप्तान रोहित शर्मा ही है, जिन्होंने कप्तानी में भी योगदान दिया, बल्लेबाजी में ऐसा खेला कि आज हर कोई विराट कोहली मोहम्मद शमी से ज्यादा रोहित की तारीफ कर रहा है, आज कोई पैट कमिंस से ज्यादा रोहित की तारीफ कर रहा है। भले ही हार गए बट रोहित शर्मा एक छाप छोड़ के चले गए हैं अपनी कप्तानी की, अपने बल्लेबाजी की। लेकिन फिर भी कुदरत का नियम है बदलना, कुदरत का नियम है आगे चलना। तो चलते हुए याद आया कि भाई रोहित शर्मा के बाद कप्तान कौन बनेगा। हालांकि सूत्रों के हवाले से 2 नाम निकल कर आ रहे हैं, हार्दिक पांड्या और ऋषभ पंत का। देखिए, हार्दिक पांड्या की बात करें, अभी फिलहाल वो चोटिल है, टखना उनका मुड़ गया था इसी वर्ल्ड कप में जब वो बांग्लादेश के खिलाफ मैच खेलने उतरे थे। तो एक हार्दिक पांड्या एक कप्तान बन सकते हैं T20 का, यानी शॉर्ट फॉर्मेट का कप्तान बन सकते हैं। साथ ही साथ दूसरा नाम जो है वो ऋषभ पंत का है। ऋषभ पंत फिलहाल तो अभी क्रिकेट के मैदान से दूर हैं, बट जल्द ही वो दिसंबर में वापसी कर जाएंगे, 1 महीने बाद वो वापसी कर जाएंगे। उसके बाद पंत को शायद एक फॉर्मेट की कप्तानी मिल जाए और हार्दिक पांड्या को एक फॉर्मेट की कप्तानी मिल जाए। रोहित शर्मा की कप्तानी के बाद शायद इन दोनों को एक एक फॉर्मेट की कप्तानी मिल जाए, जो कि अभी सूत्रों के हवाले से खबर आई है। अब आप कमेंट्स करके बताइए कि आपको भी लग रहा है कि रोहित की कप्तानी अब जाने वाली है रोहित शर्मा से आगे, अब BCCI को देखना होगा कप्तानी के तौर पे, या फिर आप चाहते हैं कि रोहित ही अभी कप्तान बना रहे तीनों फॉर्मेट के। आप कमेंट्स करके अपनी राय मुझे उसमें ज़रूर बताइए।